एक खतरनाक सा चीज, वो बेटे ये चेक करो यार, वो भाई विंटेज कार भाई, रोल्स रॉयस का। हाँ वीडियो देखी, भलो लगे भाई? अच्छा मैंने बाइक देखे चिंते पे वो चीज देखने के लिए मिला ना भाई, वो चीज देखते ना पूरा दिल खुश हो गया भाई। वो चीज आप लोगों को भी भाई एक बार दिखाता हूँ भाई, क्या है ये चेक करो भाई। तो भाई मेरा बाइक में भाई कैसे कैसे स्क्रैच लग चुका है भाई, उसको तो भाई अभी पूरा रैप करवाना पड़ेगा। हे गाइस, आज का ब्लॉग भाई सीधा मोटर ब्लॉगिंग से चालू हो रहा है और बाइक को तो भाई वार्म अप पे लगा दिया। मेरे बाइक के भाई पीछे के वाला सेक्शन पे भी देख सकते हो भाई, पूरा कीचड़ छाया हुआ है। ठीक है, इधर भी देख लो भाई क्या होकर रखा है भाई, ये चेक करो एक बार भाई, पूरा पीछे कीचड़ वीचड़ तो छाया हुआ है। तो भाई आज तो निकल रहा हूँ एक छोटा सा राइड पे भाई, ज़्यादा लंबा नहीं होगा आज का राइड। जाने वाला हूँ फ्यूल स्टेशन, वहाँ पे जाके भाई पॉल्यूशन को अपडेट करवाएंगे। और तो भाई पॉल्यूशन फेल हो चुका है, पॉल्यूशन का भी भाई एक डेट रहता है, हर एक साल भाई अपडेट करवाना पड़ता है। उसके साथ भाई देख सकते हो भाई मेरा बाइक में भाई कैसे कैसे स्क्रैच लग चुका है भाई, इसको तो भाई अभी पूरा रैप करवाना पड़ेगा, नहीं तो और भी गंदा लगेगा देखने में। और भाई और एक चीज़ भाई, मैंने ये वाला ग्लव्स ख़रीदा था, आप लोगों ने देखा था भाई लास्ट वाले ब्लॉग में। तो भाई मैंने तो सोचा था ये सीधा 15 अगस्त को पहन के भाई राइड के लिए निकलेंगे, लेकिन नहीं भाई आज मैं इसलिए लेके आया हूँ, मैं पहन के भाई राइड करके देखूंगा ये ग्लव्स कितना कंफर्ट है भाई मेरे लिए। तो भाई चलो भाई इस ग्लव्स को पहनते हैं और इधर से निकलते हैं। तो भाई मेरा बाइक का तो वार्म अप भी हो चुका है, तो चलो आप लोगों से सीधा रोड पे चलते हुए बात करते हैं। ठीक है, तो भाई अभी मार्केट से होते हुए जाएंगे और अभी दोपहर का टाइम है भाई, इसलिए इस वाले रोड तो थोड़ा सुनसान सा ही है, नहीं तो भाई शाम के टाइम और सुबह के टाइम भाई इतना ज़्यादा रश रहता है ना इस वाले रोड पे, जब तक नहीं देखोगे भाई पता नहीं चलेगा। भाई थोड़ा बहुत तो अनकंफर्ट तो लग रहा है भाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहना हो, ब्रेकिंग करने में, हॉर्न मारने में भाई कुछ चीज़ों में ना भाई दिक्कत हो रहा है, बाद में एडजस्ट हो जाएगा ये। चलो भाई रोड पे आ चुका हूँ, अभी तो भगाते हुए चलते हैं। आगे ट्रैफिक का रश चेक करो, वो भाई अभी सीधा भीड़ जाता यार, ओ एक खतरनाक सा चीज, वो बेटे ये चेक करो यार, ये सीन चेक करो, रोल्स रॉयस का भाई। पॉल्यूशन इधर, वो भाई विंटेज कार भाई, रोल्स रॉयस का। तो चलो पहले पॉल्यूशन करवा लेता हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है क्या? ये कोई नहीं है पॉल्यूशन भाई, ये लोग तो बोल रहे हैं पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो पॉल्यूशन का जो आदमी है वो नहीं है भाई, नहीं भाई जो भी बोलो भाई, बहुत खतरनाक सा चीज़ देखने के लिए मिल गया। तो भाई आगे और एक फ्यूल स्टेशन है, उधर पे ही जाके देखना पड़ेगा। अभी फ्यूल स्टेशन पे भी आ चुका हूँ भाई, ये वाला पॉल्यूशन करवाऊंगा। तो भाई ये लोग तो बोल रहे इधर हो जाएगा, तो चलो देखते हैं भाई। तो भाई अभी नंबर प्लेट का तो फोटो लेगा, उसके बाद तो आएगा प्रोसेसिंग। तो भाई अब जो चाबी ऑन किया हुआ है, तो अभी बाइक को तो स्टार्ट भी कर दिया भाई, पीयूसी करवाना चाहिए भाई, नहीं तो ये 100 रुपये के चक्कर में भाई 2 या 3 हज़ार का भाई चलान हो जाएगा। ये देखो भाई प्रोसेसिंग देख रहे हो भाई, ये चेक करो, वो वाला मशीन से होगा भाई, देख लो
1 minute later. तो चलो भाई, पोल्यूशन तो डन हो गया है, ये रहा भाई हाथ में, तो इसको भी बैग में डालते हैं, तो उसके बाद निकलते हैं इधर से. तो ये रहा, इधर है भाई. ठीक है, इसका पोल्यूशन हो गया भाई एक साल के लिए फिर से, और फिर से एक साल के बाद मुझे फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा. और ये देखो भाई बैग का हालत. चलो भाई, पोल्यूशन तो करवाना हो गया, अभी चल रहे भाई आगे. अभी बाइक को भाई वॉश करवाएंगे, उसके बाद घर की तरफ जाएंगे. तो भाई मजा ही आ गया यार. भाई मैं सच बात बोलूँ ना भाई, मैंने जब इश्यू अपडेट किया था मेरे बाइक का सर्विस सेंटर से, उसके बाद से ना भाई पावर में थोड़ा डिफरेंस सा लग रहा है भाई. पावर में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है भाई. पावर क्या बोलूँ, पावर थोड़ा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि भाई बाइक पहले जो पुश करता था उससे अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा पुश करता है भाई. ये मुझे फील होता है भाई इस बाइक में भाई, यही तो चाहिए भाई. भाई वो चाचा रिक्शा वाले तो भाई रोड के बीच में आ गया था यार, ये कैसा हुआ तो भाई. भाई मैंने तो सोचा भाई मुझे रोकने के लिए आ रहा है यार. तो बहुत अच्छा खासा धूप निकल गया है, इसलिए बाइक को राइड करने में भी भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा. भाई आगे भी फुल खाली सा रोड है. भाई बहुत प्यारा लग रहा है भाई, भगत हुए. वो भाई भाई वो भाई सही भाई, मजा आ गया भाई, बहुत मजा आ गया. मेरे भाई लास्ट वाला जो ब्लॉग था ना, उसमें तो शायन तो भाई मेरे साथ गया था भाई. भाई पिलियन लेके भगाने से अकेला भगाने उसका जो मजा है ना, वो अलग से ही रहता है भाई. पिलियन जब रहता है ना बाइक में, बाइक का वेट थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए भाई बाइक को भगाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है. बाइक का स्पीड उतने जल्दी अचीव भी नहीं कर पाता है, उसके साथ भाई ऐसे कट शॉट मारने में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आता है. तो भाई इसलिए भाई अकेला भागा भाई, अकेला भागा. अभी तो जा रहा हूँ भाई बाइक को वॉश करवाने के लिए, तो वॉशिंग सेंटर तो इधर से ज़्यादा भी दूर नहीं है. तो चलो आगे से ही भाई उतरना पड़ेगा बेलगुड़ी एक्सप्रेस वे से, उधर ही है. बाइक वॉश करावो भाई, यहाँ पे वॉश होगा मेरा रियो. गाइस देख सकते हो भाई पूरा साफ सुथरा हो चुका है भाई. करो भाई अभी तो इधर से निकलेंगे, पहले कैसा था और अभी देखो भाई कैसा. पूरा पानी वानी तो है, बाद में पोछ लेंगे इसको, बाद में घर पे जाके मैं अभी पॉलिश और लूप करवाएंगे, और अभी इधर से हवा देके उसके बाद निकलेंगे. तो गाइस चलो, अभी तो हो चुका है बाइक वॉश पूरा, तो अभी फ़िलहाल इधर से निकलते जाएंगे घर की तरफ. तो चलो, तो चलो भाई. वाटर प्रेशर की वजह से ये लूज़ हो गया है, ये दोनों मिरर भाई पूरा लूज़ हो चुका है. इसको तो भाई इसको भी एडजस्ट करवाना पड़ेगा. अभी चलते भाई. हाँ वीडियो देखी, भला लगे भाई. नाम की? सौरभ सिंह. सौरभ सिंह, नाइस टू मीट यू.
तोर नाम अरुप दास। अच्छा आस्ते आस्ते भाई आस्ते आस्ते ताकि घुटते बेरी चीज। हेलो तो अभी वो बेरी चला बाइक का देखा चिंता बेरी चीज मैंने बाइक देखे चिंता बेरी चीज। अच्छा ठीक है चल असलम भाई आस्ते भाई टाटा ठीक है तो भाई ऐसा भाई मिल गया ना भाई बहुत मजा आता है भाई दिल को ना अलग सा खुशी मिलता है भाई ऐसा जब भाई लोग मिलता है ना भाई क्या बताओ भाई ये खुशी ना भाई आप लोग सपोर्ट करते हो तो इसलिए भाई हर एक छोटे छोटे भाई लोग सब मुझे बहुत पहचानते हो भाई और अब सब मेरा सब्सक्राइबर नहीं हो भाई मेरा फैमिली हो ठीक है अब सब मेरा फैमिली हो ये दिमाग में रखना ठीक है। The next day. Hey guys, आप सब कैसे हो और भाई आज तो भाई next day जो भाई vlog देख रहे हो ये तो भाई पहले दिन का था और इस vlog के साथ ही मैं ये attach कर दूंगा। भाई मैं तो आज सुबह को काम पे गया था भाई काम से आकर भाई जो चीज देखने के लिए मिला ना भाई वो चीज देख के ना पूरा दिल खुश हो गया भाई वो चीज आप लोगों को भी भाई एक बार दिखा दो भाई भाई क्या बताओ भाई सबको इतना सारा भाई दिल से शुक्रिया ना भाई थैंक यू भाई सबको लव यू ऑल भाई इतना सपोर्ट करने के लिए भाई तुम्हारे भाई को आप लोगों को दिखा था भाई वो चीज़ क्या है ये चेक करो भाई वो चीज़ है भाई ये देख रहे हो भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है इधर भाई देख सकते हो 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुका है भाई इतना प्यार करने के लिए भाई सबको दिल से शुक्रिया भाई ऐसे ही तुम्हारे भाई को सपोर्ट करते रहो और तुम्हारा भाई भाई आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का भाई कोशिश करेगा ये तुम लोगों से वादा है तो भाई ऐसे ही सपोर्ट करो भाई और भी आगे लेके चलो भाई मेरे यूट्यूब चैनल को और नेक्स्ट जो टारगेट है भाई वो तो 5000 सब्सक्राइबर का मुझे पता है भाई आप लोग बहुत जल्द ये भी कंप्लीट कर दोगे भाई तो जाओ जाके बहुत जल्द 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो भाई उसके बाद भाई और भी आगे जाना है तो जाओ जाके 5K कंप्लीट कर दो। तो भाई चलो भाई इस खुशी के साथ भाई आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। आई होप सबको ये वाला ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा फिर पसंद आया तो भाई एक लाइक कर देना कमेंट करके बताना कैसा लगा तो चलो मिलता हूँ ऐसे किसी मस्त ब्लॉग पे भाई तब तक के लिए टाटा एंड लव यू ऑल एंड टेक केयर गाइस बाय।